Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. And अभी बज रहे सुबह के 10:30. और guys, आप सभी लोगों ने बहुत सारे नीचे कमेंट्स डाले थे पिछले वाले व्लॉग में कि प्लीज़ आप ऐसी रेगुलर व्लॉग्स लाओ, रेगुलर व्लॉग्स लाओ. तो हम लेकर आ चुके हैं आपसे रेगुलर व्लॉग. सो गाइज, आज भी मैं आपको अपने पूरे दिन का व्लॉग दिखाने वाला हूँ कि आज मैं पूरे दिन क्या करने वाला हूँ. और ये देखिए कैसे आरना यहाँ पे सो रही है. ये देखिए गाइज, आरना इसलिए सो रही है क्योंकि रात भर मैं एडिटिंग कर रहा था, तो वो भी साथ में जगी हुई थी. और देखिए फोन देख रही थी, तो अब देखो कैसे सोफे पर सो रही है. और बस यही बचा है. सो गाइज, अभी आज हमारे घर पे नर्मदा पाइपलाइन लगने वाली है, तो उस वजह से बाहर पूरी खुदाई चल रही है, तोड़ा फाड़ी मच रहा है. और गाइज, आपके चक्कर में बिट्टू की पिटाई हो गई. तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज बाहर क्या चल रहा है. पाइपलाइन लग रही है, ये देखिए. ये जो है पूरा, ये मीटर है, ये वाला जो है ये मीटर है. एंड यहाँ से पानी आएगा, एंड ये पूरा उसका पाइप है. और वहाँ पे उन्होंने अभी अपना होल किया है ताकि वो पाइप यहाँ से अंदर आ पाए और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा पाइप. और देखिए गाइस, अभी हमारे सब्जी वाले ने हमें ये नारियल पानी दे के गया, कोकोनट वाटर, क्योंकि अभी गर्मियों में हमें कोकोनट वाटर पीना चाहिए अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. तो वो अपना कोकोनट वाटर दे के गया और मैंगो दे के गया. तो अभी हमने उसको सैनिटाइजेशन के लिए रखा है, धूप आएगी तो सैनिटाइज जाएंगे वो. लॉल. एंड ये देखिए यहाँ पे पूरे पाइप्स रखे हैं जो लगने वाले हैं ऊपर. एंड बाहर भी यहाँ पे काम ही चल रहा है. हमारे घर पे यही काम चलने वाला है. और मम्मी ने आज नाश्ते में बनाया पोहा, तो मैं सबसे पहले जाके पोहा ले लेता हूँ. सो गाइज, आज नाश्ते में है एमपी का पोहा और नमकीन. तो मैं पहले अभी नाश्ता कर लेता हूँ, देन आपसे फिर हम मिलते हैं. A few moments later. इस कल बारिश की वजह से हुआ क्या कि हमारी जो टंकी का ढक्कन था वो नीचे गिर गया था. एंड अभी जो है हम लोग उसको रस्सी डाल के अभी ऊपर उठाएंगे हम. तो अभी हम वही मगजमारी कर रहे हैं, वहाँ मम्मी लोग जो है नीचे रस्सी बांध रहे हैं. एंड मैं भी उसको ऊपर खींचता हूँ फिर देन ढक्कन को. बाप रे. टंकी का ढक्कन फाइनली ऊपर आ गया है. अब मैं नीचे जाता हूँ और थोड़ी मम्मी लोगों से डांट खाता हूँ. मैंने भैया लोगों के लिए वहाँ पे चाय रख दी जो वहाँ काम कर रहे हैं. तो अभी ये पाइपलाइन पूरी लग रही है और एक भैया वहाँ ऊपर बैठे हैं वो रहे. एंड ये पूरी पाइपलाइन ऐसे लग रही है, ये नर्मदा पाइपलाइन, ये वो मीटर है. एंड ये पूरा ऊपर जाएगा कनेक्शन. बढ़िया है गाइज. अभी बज रहा है 1 और आज एक्चुअली मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहा पाया क्योंकि आज बाहर प्लम्बर इन सब का काम चल रहा था, बाहर नर्मदा पाइपलाइन लग रही थी. तो उस वजह से मैं अभी तक नहीं नहा पाया हूँ. तो मैं अभी नहाने जाता हूँ एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ. गाइज, मैं अभी नहा कर आ चुका हूँ एंड अभी मुझे नीचे पता चला कि नीचे पाइपलाइन भी लग चुकी है. तो अभी एक बार मैं आपको छत पे दिखा के भी आता हूँ कि पाइपलाइन कैसी लगी है. अरे बाप रे, बहुत गीला हो रहा है. सो गाइज, ये पाइपलाइन लग चुकी है यहाँ पे अपनी छत पे. एंड ये देखिए, ये पूरा यहाँ से कनेक्टेड है और वहाँ जो है नीचे तक जाती है वो वहाँ से. सो एक बार अभी हम देखते हैं कितना तेज प्रेशर है इसका. पर पानी सही आ रहा है ना, ठीक स्पीड है. अभी पाइपलाइन तो लग चुकी है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे पाइपलाइन लग गई, तेज पानी आ रहा है. एंड ऊपर से नर्मदा पाइपलाइन का फ्रेश पानी आएगा, तो वो भी और अच्छा है. एंड अभी मौसम भी बहुत सही हो रहा है, ये देखिए जरा. ये देखिए गाइस, कितना मस्त मौसम हो रहा है अभी. अभी बज रहे हैं 3 एंड बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है. आज देखना बारिश होगी अच्छी खासी. नहाने के बाद भी मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, मेरे को पता है बहुत पसीना आता है. तो अभी चलिए नीचे चलते हैं और नीचे चल के खाना खाते हैं. और आज हम लोगों का खाना इसलिए लेट हो गया क्योंकि अभी ये सब काम चल रहा था, पाइपलाइन का काम, और यही सब हमारा दिन भर का चल रहा था. तो अभी हम नीचे जाते हैं और खाना खाते हैं, आ जाइए. आज मम्मी ने बनाई है कटहल की सब्जी और अभी मम्मी रोटी बना रही है, और है इसमें चावल और फिर दाल. और मम्मी जो है अभी सलाद काटेंगी, देन उसके बाद मम्मी ने बोला है कि वो चटनी बनाई है. आज मम्मी ने चटनी बनाई है.
इसको ढाक देते हैं। Meanwhile, देख अगर तू लाइफ में सक्सेस होना चाहता है हुँ. तो उल्टे काम करके मत आओ। हाँ. मतलब तो जिंदगी मार मार के सीधा करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सीधे होके आओगे तो जिंदगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिंदगी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, सीधे होने के लिए। अच्छा, सीधे होने के लिए जिंदगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ. तो भाई जिंदगी की मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं ठीक है, जो है ना पार्ट टाइम प्रवचन भी देती है, एक प्रवचन का कम से कम दो चिप्स लेती है। बेटी कौन से चिप्स खाई अब इस प्रवचन के लिए? क्यों नहीं खाना? अच्छा मतलब हर, अच्छा तुमने मतलब उससे पहले भी प्रवचन दिया था ना? दिया था। सो गाइस आरना बहुत प्रवचन देती है। इफ़ यू वांट प्रवचन फ्रॉम आरना, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन, तो ताकि आरना जो अपना एक प्रवचन सेशन भी लाएगी अपने चैनल पे, है ना? हाँ आरना प्रवचन दो, कोई एक और प्रवचन दो अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को, एक और प्रवचन दो। जो है आज सीखा वो जाओ, हमने तुम्हें पैसा ही नहीं देना। चाहिए ये हवाओं ने मेरे पूरे बाल बिगाड़ दिए, देखो जरा। अरे रे बेटी, बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश आ रही है, इसका भविष्य काल बताओ। अब लाइट चाहिए। रील से हमने उठाया डायलॉग। यस, कॉपीराइट, नो कॉपीराइट। सो गाइस, इतनी तेज हवा चल रही है, हमें लग रहा है हम उड़ रहे ना। नहीं, तुम नहीं उड़ पाओगे। उड़ पता नहीं, अचानक से भैया हमारी गैलरी में आ गए। चल नीचे चल के गेट खोल के तुम्हें। कैसे ऊपर आऊं? ये देख, 3 2 1 ऐसे आ जाऊं ऊपर। तो तार पकड़ के आता हूँ, रुके ऐसे तार पकड़ता हूँ। ये 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 तार ही नहीं आ रहा पकड़ में। आज मम्मी ने बनाया कटहल की सब्जी, दाल, चटनी एंड ये धनिया पुदीना वाली चटनी है, और चावल और अपना घी की रोटी। इस आरना को भी सेम मिला है ना? खाते हैं। so अभी हम देख रहे हैं तारक मेहता। तारक मेहता इज लव ना। पैर में खाना खाते समय हमेशा तारक मेहता देखते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में रील्स बनाने वाले हैं, तब तक हम लोगों ने सोचा थोड़ी तैयारी कर लेते, तैयार हो जाते हैं। और आरना ने अपना मेकअप शुरू कर दिया, ये देखिए। देखिए गाइस, आरना जो रिंग लाइट लगा के मेकअप करती है, बड़े लोग है ना। सो आरना आपको कैसा लग रहा है मेकअप करके? ये गुस्सा इस बात से है कि मैंने से क्रीम नहीं ली। अब क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था क्रीम लेने का। अभी मैं भी तैयार हो जाता हूँ, देन उसके बाद हम रील्स बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। गाइस ये सारे रील्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करेगा। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाओ जाकर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो एंड वहां पर जाके हमारे रील्स को एंजॉय करो। आरना के देखिए ऐसे मम्मी बाल बनाती है रील्स बनने से पहले। बेटी कुछ आपको कहना है? क्यों नहीं कहना? आप मतलब मेरे व्लॉग्स में आते हो और कुछ कहते नहीं, नहीं तो वैसे फन चैलेंज जिसमें पूरा स्क्रिप्टेड बोलते हो, है ना? क्यों बेटी? अभी मेरी जगह, मैं यहाँ रील बना तो वहीं आ गए। अभी मेरा पूरा मेकअप नहीं हुआ इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर पहले मेकअप करना है। हाँ। मेकअप में भी तुम्हें आधा घंटे जाएगा फिर? नहीं। A few moments later. So guys, अभी आरना भी रेडी होकर आ चुकी है। ये देखिए आरना पूरी रेडी हो चुकी है। नेल्स तो दिखा, हाय हाय, ये कहाँ से लाते हो ये नेल्स? वैसे तो गोरिल्ला वाले। मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है नेल्स का। अच्छा, हॉट व्हील्स ऐसा? अभी हम लोग व्हील्स बनाने वाले हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारा फोन का सेटअप, ये रही हमारी रिंग लाइट, और ये देखो ये रही मिट्टी। Meanwhile, so guys, आप
आपको दिखाने वाले हैं हम एक मॉडर्न मम्मी। आई एम मॉडर्न मम्मी। ये मॉडर्न मम्मी है। आज से आप ये देखिए। इसके बाल कलरफुल हैं। हमने देना इसको 1.5 लाख कर दिया, 1.5 लाख। और सबसे तो बताएं, वो जो सामने बंटी दुकान है ना, उसी ने कलर करवाने 250 रुपए में। 250 रुपए में कलर करना है? अगर आपको बंटी दुकान जाना ना, जाओ, उसकी मम्मी वहीं बैठी रहती है, तो ये गाना गा दो। नहीं। तो गाइस, हम लोग एक रील बना रहे थे, तो उस वजह से उसमें मेरे को मम्मी बनना पड़ा। तो मम्मी के लिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, टी शर्ट लगा लेते सर पे। मैंने कहा मैं भी वही कर लेता हूँ। और फिर मेरे को ये टी शर्ट मिली कलरफुल वाली। तो मैंने कहा चलो आज कलरफुल मम्मी बनते हैं। तो अगर आप लोगों को बोला रील देखना है ना, तो जाओ ये रहा वो आई बटन है, इस आई बटन से जाके वो रील देखो। हाँ, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया और आरना ने भी ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि हमें एक ही दिन में 2 दिन के रील्स पे आने थे, इसलिए अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो अभी हम वापस रील बनाने वाले हैं दूसरे। अभी हम लोगों ने हमारे रील्स बना लिया है और अभी हम पूरी रिंग लाइट या हमारा पूरा सेटअप हम हटा रहे हैं और मैं कपड़े वपड़े चेंज करूंगी एंड फिर उसके बाद हम खाना खा के लेटेंगे, सो जाएंगे। हाँ, सोते नहीं है क्या? है? सोते। सो गाइस, फिर हम खाना खा के सो जाएंगे एंड फिर मैं एडिट करने बैठूंगा। हाँ। जब मैं एंड करूंगा इस ब्लॉग को, तब मैं एडिट करने बैठूंगा और मैं भी लिखूंगी लास्ट में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन ना तुम तो मार्वल के। चलो तो चलो गाइस, अभी मैं ये पूरा सब सेटअप हटाता हूं और चेंज करता हूं। A few moments later. So guys, अभी हम लोगों ने चेंज कर लिया एंड हमने रील्स भी बना लिया, अंदर से हमने पूरी लाइटें भी हटा दी हैं एंड अभी हमें खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा कि अभी हम ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक पिए। ये देखिए, ये रहा हमारा मैंगो मिल्क शेक एंड ये देखिए आरना से तो मतलब सबर ही नहीं हो रहा है ना। सो अभी हम लोग पी रहे मैंगो मिल्क शेक। सो अभी बज रहे हैं रात के 9:15 एंड अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मिल्क शेक पी के हम सीधा जाएंगे ऊपर सोने। तो चलिए हम फटाफट पहले मिल्क शेक पी लेते हैं, देन उसके बाद ऊपर सोने जाते हैं। A few moments later. मिल्क शेक भी पी लिया है और अभी हम जाने वाले हैं सोने। और मैंने एडिटिंग भी ऑलमोस्ट कर लिया, बस ये पार्ट में रिकॉर्ड करके इसको मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। सो अगर आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज आप घंटी भी बजाइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग अस, कीप वाचिंग अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। ये जो तेरे चिप्स हैं ये मुझे दे दे। ये चिप्स मुझे दे दे ठाकुर, ये चिप्स मुझे दे दे, शेयर कर ले। चल दे दे, शेयर कर ले, शेयर तो कर सकती ना, एक दे दे बस, एक दे दे वाला, एक दे दे यार वाला, ये वाला। गाइस देखिए, इंसानियत अभी भी बची है, इंसानियत इज स्टिल अलाइव।